और बदायूं से जिलाधिकारी कार्यालय पर राशन कार्ड धारकों ने कोटेदार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। योगी सरकार में गरीबों को नहीं मिल रहा राशन, दबंग कोटेदार कर रहा मनमानी। ब्लॉक वजीरगंज क्षेत्र के गांव रहेडिया मजरा नवापुरा के ग्रामीणों का आरोप, भूमाफिया श्रीनिवास, पूर्व प्रधान कोटेदार किशनलाल, वर्तमान प्रधान ज्वाला प्रसाद और सचिव ने राजनीतिक के तहत पंचायत चुनाव में वोट न देने को लेकर राशन कार्ड कटवा दिए। ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। प्रधान का कहना, हमारे लिए जिसने वोट नहीं दिया उसका राशन कार्ड कटवा देंगे, किसी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं जोड़ने देंगे, चाहे तुम लोग किसी से भी शिकायत करो। ग्रामीणों का कहना, जिसकी शिकायत विकासखंड अधिकारी एसडीएम बिसौली से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर कोटेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। कार्ड सर, प्रधान ज्वाला प्रसाद। कौन से गांव से आए हो? ग्राम रहेडिया। तो जो समस्या है यहाँ डीएम कार्यालय पहुँचे, किस लिए आए? और शशिकांत शर्मा कोटेदार, उसने कटवाए हैं। सचिव अनेक प्रभु, कृपाल सचिव, इन तीनों ने मिलकर ये ग्राम रहेड़िया के कार्ड कटवाए हैं। लगभग 300 कार्ड। और गल्ला लेने जाओ तो गल्ला नहीं देते हैं, जो कहते हैं जो कर मिला सो कर लो जाओ। 5 किलो गल्ला कम देता है। एक राशन कार्ड पर 2 किलो गल्ला कम मिलता है। कहाँ से आए हैं? पिपरिया सर। क्या समस्या है? समस्या राशन नहीं मिल रहा है और परमिट कार्ड दिया है। परमिट किसने काटे हैं? परमिट कार्ड था 250। किसने काटे हैं? ज्वाला प्रसाद और देखो श्रीनिवास सचिव ना, और किशनलाल डीलर। ये कहाँ गए हैं? नौपरा गए।